आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा है कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का पेश उससे आप आते हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष नामजद आरोपी हैं। आशीष को नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन आशीष नहीं पहुंचे। आज यूपी सरकार के वकील हरीश सालवे ने कहा है कि आशीष को कल 11 बजे तक की मोहलत दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यानी कि लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आज सुनवाई के दौरान जबकि यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था उस बीच उन्होंने कहा कि 302 का मामला दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और क्या अगर ये इस तरह का हत्या का मामला किसी और के साथ हुआ होता, अगर ये किसी रसूखदार, क्योंकि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि रसूखदार लोग हैं, मंत्री हैं, सरकार में मंत्री है, इसीलिए शायद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन तमाम चीजों को सुनकर और देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को और उसकी पूरी अभी तक जिस तरह से प्रक्रिया चली है इस पूरे मसले को लेकर, उत्तर प्रदेश के मंत्री का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार हम संडे से देख रहे हैं, रविवार की शाम से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सवाल उठाती रही है पार्टी पर, बीजेपी पर, सरकार पर, यूपी की सरकार पर। कहते हैं कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा है, अरेस्टिंग नहीं हो रही है और अब सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार, अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। सर ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लाइन ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनेगा निष्पक्ष जांच के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर ऐसा जो ऑपोजिशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया रविवार की शाम को तभी से एक माहौल बना दिया गया कि उसमें जो MOS होम है उनके बेटे वहां नहीं थे मौजूद, तो उसमें सरकार जो है रफा दफा करने में लग गई सारा मामला, तो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर आप यूपी के लॉ मिनिस्टर हैं, आपके सामने जो दो चीजें नजर आई और जो ओपोजिशन लगातार कहता जा रहा है कि एक तरफ तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी अरेस्टिंग इमिजिएटली हो गई, रविवार को शाम हमने देखा कि प्रियंका गांधी की अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनको पहले डिटेन किया गया फिर अरेस्टिंग हो गई, फिर दीपेंद्र हुड्डा की भी अरेस्टिंग हो गई, लगातार काफी सारे लीडर्स थे उनको नहीं पहुंचने दिया गया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में कानून की व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए हम लोग कृत संकल्प है। लखीमपुर जनपद में रैंपेज के कारण असामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा न हो, कोई घटना न घटे, इस कारण 144 लगाई गई है। 144 का उल्लंघन करना जुर्म होता है, इस कारण उन्हें डिटेन किया गया है। बाद में काफ़ी उनके रिक्वेस्ट के बाद वहाँ सीमित संख्या में जाने की अनुमति सबको दी जा रही है, लेकिन हम लखीमपुर सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एकदम कृत संकल्प है और किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। और सीधे लखीमपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई गई लेकिन ये जो मामला सुबह से जो हम बातचीत कर रहे थे कि आज पेश होना था क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्रा को, जो कि वो पेश नहीं हुए। हरीश सालवे ने यह कहा कि उन्हें कल तक की मोहलत दी गई है, क्या खबर? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोर्ट में जब सरकार की तरफ से हरीश सालवे ने पक्ष रखा तो उन्होंने ये बात कह दी कि कल वो 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे। इसको लेकर के नोटिस भी उनके घर पे फिर से लगा दिया गया है, दूसरा नोटिस है ये। और आपको बता दें कि सुबह से जो चहलकर्मी चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि 10 बजे उनको यहां पर पेश होना है, उनके घर पे मौजूद रहे। हमने वहां लगातार देखा कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं था। उनके भाई अभिजात मिश्रा और उनके चचेरे भाई अमित मिश्रा से हमने बात की, उन्होंने भी ये बात कही कि वो आएंगे, पेश होंगे, लेकिन कब होंगे वो कोई समय नहीं बताया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रखा गया तो ये बात को भी कह दिया गया कि उनके वो संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर ये दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से नाराजगी दिखाई है
उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, यहां तक भी कहा गया कि एविडेंसेस को सुरक्षित रखा जाए, और चूंकि ये मामला संवेदनशील है तो ऐसे में पुलिस को जरूरत है कि इस पर कार्रवाई कड़ाई से की जाए। ये भी कोर्ट ने कहा कि 302 में गिरफ्तारी संभव है तो पुलिस ने इस आदमे को लेकर के क्यों नहीं गिरफ्तारी की। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश की तरफ से अपना जो बात है वो रखी गई है, लेकिन ये मामला तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि आज जिस तरीके से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि रिजर्व पुलिस लाइन जहां मौजूद है यहां पर आशीष मिश्रा आएगा, यहां पर उनके बयान दर्ज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और ये एक और दिन टल गया है। कल का इंतजार होगा, कल 11 बजे की बात हो रही है जब आशीष मिश्रा या SIT के सामने पेश हो गए और अपने बयानों को दर्ज कराएंगे। श्वेता।